साथियों, वे कहते हैं कि आओ मिलकर मोदी को खत्म करें, और मोदी कहता है आओ हम सब एक होकर आतंकवाद को खत्म करें। आप मुझे बताइए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आतंकवाद को खत्म करना प्राथमिकता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन उनकी प्राथमिकता है मोदी को खत्म करो, मेरी प्राथमिकता है आतंकवाद खत्म करो। वे कहते हैं कि आओ मिलकर के मोदी को खत्म करो, मैं कहता हूं आओ मिलकर गरीबी का मुकाबला करें, देश को गरीबी से मुक्त करें। वे कहते हैं कि आओ मिलकर मोदी को खत्म करें, मैं कहता हूं आओ हम सब एक होकर भ्रष्टाचार और काले धन को समाप्त करें। वे कहते हैं कि आओ मिलकर मोदी को खत्म करें, मैं कहता हूं कि आओ हम सब मिलकर देश के नौजवानों के लिए नए अवसर बनाए, उनके सपने पूरे करें, इसके लिए काम करें। वे कहते हैं कि आओ मिलकर मोदी को खत्म करें, मैं कहता हूं आओ सब मिलकर के देश में कुपोषण को खत्म करें, गंदगी को खत्म करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नियत नियत का फर्क है। साथियों, अपने देश को विश्व में नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए मैं दिन रात एक कर रहा हूं, नए रास्ते बना रहा हूं, और मुझे ही रास्ते से हटा देने के लिए काम कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, बिहार के लोग, देश के लोग इतने जागरूक हैं कि इनकी सारी बातें एक के बाद एक देश के सामने अब आ चुकी है। देश के लोग मन बना चुके हैं कि इन्हें एक बार फिर सजा देंगे, उनकी गलतियों का एहसास कराएंगे। ये अपनी राजनीति करते रहे, हम देश के विकास के लक्ष्य को लेकर निरंतर आगे बढ़ेंगे। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए।